आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एंड मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कम्प्लीट वीडियोज चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोज के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्टिव काउंसलिंग या समाहारक परामर्शन। इससे पहले अब तक हमने टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों के बारे में अध्ययन किया है। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? जिसमें जो फोकस में व्यक्ति रहता है वो परामर्शदाता होता है, मतलब परामर्शदाता की भूमिका इसमें अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। किसके अंदर? निर्देशीय परामर्शन के अंदर या डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर। बात करें इनडायरेक्टिव काउंसलिंग की या अनिर्देशीय परामर्शन की, तो उसमें मुख्य भूमिका में आपने देखा था कि जो परामर्शग्राही है, जो व्यक्ति परामर्श ले रहा है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसके बारे में सबसे अधिक काम कॉल रोजर्स के द्वारा किया गया। आज की जो काउंसलिंग है वो मिक्स है, इलेक्टिव काउंसलिंग, समाहारक काउंसलिंग। इसमें परामर्शदाता ना तो निर्देशीय परामर्शन पर ज्यादा फोकस करता है और ना ही अनिर्देशीय परामर्शन पर ज्यादा फोकस करता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक में ज्यादा हो, कई बार वो स्थिति के अनुसार किसी एक परामर्शन का यूज करता है तो अगली स्थिति में किसी दूसरे परामर्शन का यूज करता है। जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि किसी स्थिति में एक अन्य प्रकार का परामर्शन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे समन्वित या संग्रही परामर्श कहा जाता है। मतलब ऊपर ये जो लाइन है इसमें मैंने बता ही दिया कि न तो निर्देशीय परामर्शन से संबंधित होता है ना ही अनिर्देशीय परामर्शन से संबंधित होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक अन्य प्रकार का परामर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे समन्वित या संग्रही परामर्शन कहा जाता है, या इसे हम मिश्रित परामर्शन के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न अधिक सक्रिय रहता है और न अधिक निष्क्रिय रहता है। जैसे जो डायरेक्टिव काउंसलिंग थी उसमें परामर्शदाता बहुत अधिक सक्रिय रहता है और इनडायरेक्टिव में परामर्शदाता निष्क्रिय हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो बैलेंस बना रहा है, ना अधिक सक्रिय है और ना ही निष्क्रिय है। उसके आगे देखें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन और उसकी आवश्यकताओं की जानकारी परामर्शदाता द्वारा की जाती है। इसमें जो व्यक्ति परामर्श लेने आया है उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में जाना जाता है और इसके बाद फिर परामर्शदाता उन विधियों का चयन करता है जो उस व्यक्ति के लिए अधिक लाभकारी होती हैं। मतलब वो विधि वो डायरेक्टिव भी हो सकती है और नॉन डायरेक्टिव भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्टेप्स की, तो काफ़ी कुछ स्टेप पहले के स्टेप से मिलते जुलते हैं कि इसमें प्रार्थी की आवश्यकता तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो परामर्श लेने आया है उसकी क्या क्या वास्तविक आवश्यकताएं हैं और उसके व्यक्तित्व की कौन सी शील गुण हैं, मतलब कौन सी उसकी अच्छाइयां हैं उसके व्यक्तित्व के अंदर, कौन सी कमियां हैं, उन सभी को जानता है। उन सभी के बारे में परामर्शदाता जानकारी इकट्ठा करता है। जब ये पता चल जाता है देन उसके बाद परामर्शदाता तकनीक का चयन करता है कि किस तकनीक के द्वारा परामर्श ग्राही का हमें परामर्शन करना है। मतलब इसके अंतर्गत प्रार्थी की आवश्यकता अनुसार
विधेयों का चयन करके उनका उपयोग किया जाता है। इन विधियों का उपयोग व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार किया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति को किस टेक्निक से हम उस ये मतलब उसका इलाज करें या कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे उसको ज्यादा फायदा हो सके, जल्दी उसकी काउंसलिंग हो सके और जल्दी वो सही हो जाए, तो उस टेक्निक का यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर तकनीक का उपयोग करना, पहले क्या था, तकनीक को चुनना था, यहाँ पर चुना गया, अब उसका फिर उपयोग किया जाता है, चयन की गई विधि का उपयोग किया जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में, मतलब जब जैसी परिस्थिति हो तब वैसा तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रभावशालिता का मूल्यांकन, प्रभावशीलता का मतलब जो विधि हमने यूज किया, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा मेडिकल से जोड़कर देखिए कि किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको बुखार है, तो बुखार में उसको टेस्ट किया गया, अब स्टार्टिंग में उसको पैरासीटामोल दिया गया, अब पैरासीटामोल देने के बाद उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया कि पैरासीटामोल कितना प्रभावशाली है उस बुखार को दूर करने में, अगर वो दूर कर लेता है तो डॉक्टर आगे भी वही चलाता है कुछ दिन तक, और नहीं दूर कर पाता है तो फिर वो क्या करता है, वो दवाइयाँ चेंज कर देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है कि अगर जो तकनीक के द्वारा परामर्शन किया जा रहा है वो तकनीक प्रभावशाली है तो वो तकनीक आगे बढ़ाई जाती है, वरना फिर उसका मूल्यांकन करके, उसकी प्रभावशालिता का मूल्यांकन करके फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। इसके बाद परामर्श की तैयारी की जाती है। इस चरण के अंतर्गत प्रार्थी की उचित परामर्श और मार्गदर्शन के लिए जरूरी तैयारी की जाती है, मतलब इतनी चीजें हो गई, अब उसके बाद हम तैयारी कर लेते हैं कि हाँ परामर्शन हमें स्टार्ट करना है, बाकी सारी चीजों को हम मैनेज करके उस परामर्शन करने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों की राय प्राप्त करना। जब परामर्शन खत्म हो गया तो परामर्शन के बाद परामर्श संबंधी कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक उद्देश्यों एवं विषयों पर प्रार्थी एवं उससे संबंधित व्यक्तियों की राय ली जाती है, मतलब जो व्यक्ति परामर्श लेने आया था उसकी राय ली जाती है, इसके साथ साथ जो उसको लेके आए थे, उस व्यक्ति को जिसको परामर्श चाहिए था, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति लेके आए थे उनकी भी राय ली जाती है कि हाँ आप बताएं आपके अनुसार क्या इनके अंदर कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें उसमें की जाती हैं। देन इसके बाद समाहारक परामर्शन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहली विशेषता है कि इसमें वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। इसके बाद परामर्शन के प्रारंभ में सामान्य रूप से उन विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रार्थी की भूमिका सक्रिय और परामर्शदाता की भूमिका निष्क्रिय हो, मतलब स्टार्टिंग में इसमें जो परामर्श ग्राही है उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है, फिर बाद में परामर्शदाता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। परामर्श की विधि का उपयोग करते समय कम व्यय के सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है, मतलब समाहारक में ये ध्यान रखा जाता है कि परामर्श देते समय कम व्यय हो, व्यय का मतलब खर्च कम लगे, इन चीजों का भी ध्यान दिया जाता है। परामर्शदाता में समस्त विधियों का प्रयोग करने के लिए व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, मतलब जो परामर्शदाता है, जो व्यक्ति परामर्श दे रहा है उसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टेक्निक्स के द्वारा हम परामर्शन दे सकते हैं वो सभी टेक्निक्स उसको आनी चाहिए, किसको आनी चाहिए, परामर्शदाता को। नेक्स्ट, इसमें प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक विधियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया जाता है, मतलब पहले से नहीं डिसाइड रहता है कि हम निर्देशात्मक यूज करेंगे या अनिर्देशात्मक यूज करेंगे, पहले हम प्रार्थी की कंडीशन देखते हैं उसके बाद फिर हम डिसाइड कर देते हैं कि इसमें निर्देशात्मक रहेगा या अनिर्देशात्मक विधि का उपयोग किया जाएगा। लास्ट है कि इस परामर्श के अंतर्गत कार्य कुशलता और उपचार प्राप्त कराने पर विशिष्ट महत्व दिया जाता है, मतलब इनमें फोकस इस बात पर रहता है
कि व्यक्ति की कार्य कुशलता में सुधार हो, वो फिर से अपने कार्य करने लगे और उसका उपचार कराने पर भी वो व्यक्ति का उपचार सही ढंग से हो जाए, इस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समझ में आ गई इतनी चीज़ें। इस तरीके से टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का जो टॉपिक था वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।